कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि कई बच्चों के एक तरह से कमेंट लिखे जा रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे कि मैंने OMR सीट यानी कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका आती है ना, जब आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं किसी भी कोई भी एग्जाम हो, SSC, रेलवे, अगर ये ऑफलाइन होता है तो आपको उत्तर पुस्तिका मिलती होगी। आप अगर सिविल सर्विस यानी कि IAS या फिर आप देखते होंगे स्टेट PCS, इस तरह के कई एग्जाम देते हैं तो OMR आपको सीट भरनी पड़ती है। तो उसमें कहा गया है कि कई लोगों ने उसमें गलती कर दी, अब क्या होगा मेरा। फिर मुझे लगा इस पर विस्तार से हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए, पर कई बच्चों ने कहा कि मुझे सर तैयारी करना है तो क्या शहर में जाना जरूरी है या घर बैठ के भी तैयारी हो सकती है। तो मुझे लगा इस पर भी बात करनी चाहिए और एक तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए, तैयारी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगा इस पर विस्तार से ही क्यों ना बात कर लें हम लोग सब मिलकर। और मैं बता रहा हूं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो ले उसे आप लोग नीचे लिखिए, मेरे तक भेजिए जीमेल के द्वारा, फिर चाहे आपके फेसबुक पेज के द्वारा, कहीं जो भी आपके पास सुविधा हो एक तरह से। और आपके पास भी कुछ सुझाव हो तो आप भी मेरे साथ साझा करिए, एक तरह से आप नीचे लिख सकते हैं या फिर नीचे लिखेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा, क्योंकि सभी लोगों तक एक तरह से आपकी सुझाव पहुंच पाएंगे। और एग्जाम की तैयारी करने का मतलब मेरा मतलब है कि आपकी कोई एक एग्जाम नहीं है, जो भी एग्जाम की किसी भी काम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उस सब के लिए इन बातों का मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप देखिए, जैसे एग्जाम आप देखते होंगे, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम बता देता हूं, जैसे आपका UPSC या फिर IAS, जैसे आप लोग सिविल सर्विस कह देते हैं। UPSC में आप देखते होंगे कि CAPF का भी होता है, स्टेट PCS, जैसे आपने देखा होगा MPPSC हो गया, UPPCS हो गया, बिहार PCS हो गया, छत्तीसगढ़ PCS हो गया, महाराष्ट्र PCS हो गया, राजस्थान PCS हो गया, इस तरह के जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं PCS के, उन पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे यार। लेकिन याद रखिए, मैं यहाँ सिलेबस यानी कि पैटर्न किसी भी परीक्षा का नहीं बताने वाला हूँ, वो तो आपको कहीं से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जब जिस समय पेपर हुआ करे उस समय बताया करिएगा, उससे समय हम बात कर लिया करेंगे। यहाँ वो बातें हम लोग ध्यान रखें जो सभी एग्जाम के लिए एक तरह से कॉमन होंगी, फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तब भी उन बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए, और फिर चाहे आप लोग MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, किसी भी छोटी से छोटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको उन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, इनमें आप देखते हैं पुलिस हो गया, फिर चाहे आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, फिर आप देखते हैं चाहे फिर आपका SI हो गया, शिक्षक भर्ती हो गई, इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं, पटवारी पटवारी इस तरह के, ठीक है। फिर आप देखेंगे SBI, PO, इंडिया पोस्ट, GDP, SSC, CHSL एग्जाम, SSC MTC, SSC स्टेनो, SSC GE, JE और RRB NTPC, अभी आप लोगों ने एग्जाम डाला ही होगा इसका तो, LIC असिस्टेंट और CDS दिल्ली पुलिस, RPF कांस्टेबल, CBSE एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, फिर चाहे आपकी कॉलेज के एग्जाम हो, इन सब के लिए एक तरह से एक कॉमन फैक्टर है। अब किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, यह तय करना है यानी कि सुनिश्चित करना है कि आप आखिर किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कभी आपको मान लीजिए कि कुछ काम करना है तो उसके बारे में सोचते तो हैं कि कौन सा काम करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप घर से निकल गए बस स्टैंड के लिए, आपको मालूम ही नहीं कि दूसरे शहर में आपका क्या काम है, तो मतलब क्या रहेगा इसका। तो सबसे पहले अपना मतलब एक तरह से मंजिल तो निर्धारित होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले यही तय करिए कि आपको आखिर किस बात में मतलब मजा आता है, कि मतलब कौन से एग्जाम में अच्छा लगता है, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, किस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो पहले नंबर पर आप लोगों को यही सोचना है, और सोचना ही नहीं है, उस पर बड़े विस्तार से सोचना है, उसके अंदर तक जाकर आपको सोचना है कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इस तैयारी का मतलब क्या रहेगा। इस सब पर मुझे लगता है कि एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप लोगों को सोचना शुरू कर देना चाहिए, कई दिनों पहले से। अगर आपने कर लिया कि मैं ये काम करना चाह रहा हूं या इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तब आप लोग दूसरे पॉइंट पर पहुंचिए। अब आपको क्या करना है, ये अगर आपने सुनिश्चित कर लिया कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। कोशिश ही नहीं करनी है, आपको करना भी है। और ये भी केवल मैं परीक्षा के लिए नहीं बता रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले तो उस काम को निर्धारित कीजिए, फिर उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कीजिए कि इससे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होंगे। चलिए छोड़िए इस एग्जाम की, छोड़िए, आप भी अपने दैनिक जीवनचर्या में कोई धंधा करते रहते हैं। धंधा करने का मतलब मेरा व्यापार है, बिजनेस है, ठीक है? तो आप देखते होंगे कि उस जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या वो बिजनेस आपका चलेगा या नहीं चलेगा, इन सब के बारे में तो कम से कम आपको थोड़ा सोचना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपने टारगेट रखा है, जो भी मंजिल रखी है, उसे मतलब निर्धारित कीजिए, उसके बाद उस पर रिसर्च कीजिए, यानी कि विस्तार से जानकारी इकट्ठी कीजिए। फिर क्या करोगे आप लोग, जिस भी एग्जाम की तैयारी यानी कि परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं आप लोग या करना चाहते हैं, उसके लिए पात्रता क्या है, यानी कि उसके लिए क्या जरूरी है। जैसे आप सिविल सर्विस की लीजिए, आईएएस की, तो उसमें आपको योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप 21 साल के हो चुके हैं और आपके पास कोई डिग्री है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस तरह की पात्रता या योग्यता के बारे में मालूम तो होना चाहिए कि उस परीक्षा के लिए क्या जरूरी है। मान लीजिए आप लोग कॉन्स्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं, पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कितनी मतलब सीना चाहिए, कितनी दौड़ चाहिए, कितनी योग्यता मतलब कितनी कौन सी क्लास पास होना चाहिए आप लोगों को, कम से कम इसके बारे में तो मुझे लगता है कि जानकारी होनी चाहिए। मालूम चला तैयारी करने लगे आप पुलिस की, लेकिन आपके पास वो योग्यता ही नहीं है जिसके लिए वो तैयारी आप लोग शुरू करने का क्या मतलब है। मान लीजिए आप 8वीं पास नहीं है या 10वीं पास नहीं है, और किसी परीक्षा में 10वीं पास अनिवार्य माना गया कि 10वीं, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग फिजिकल में लगे हुए हैं, आपके पास 10वीं पास भी नहीं है, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब है क्या? तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जिस परीक्षा को आपने चुना है उस पर रिसर्च करना है, उस पर जानना है आपको कि इसकी पात्रता क्या है, आपकी योग्यता क्या चाहिए इसके लिए, ठीक है? और कभी भी मैं हमेशा बोला है आप लोगों को कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जैसे मान लीजिए कि सिविल सर्विस की तैयारी चल रही है, तो प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पर केवल ध्यान मत दें, साथ में आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, और साथ में अपना ऑप्शनल लेकर चलें। इसी तरह अगर आप कहीं फिजिकल का इस तरह का एग्जाम होता है, जैसे पुलिस का देख लीजिए, सीधी सी बात है, पुलिस या एसआई, तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि अपना फिजिकल पर भी ध्यान देना है, पेपर पर भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि फिजिक आपका पेपर तो निकल जाए, फिजिकल में आप रह जाए, या फिर फिजिकल आपका दमदार हो, पेपर रह जाए, तो इसमें दोनों में नुकसान होगा आपका। और सबसे बड़ी बात है कि धैर्य रखना चाहिए, क्या धैर्य रखना चाहिए, आपके पास संतुष्टि होनी चाहिए। संतुष्टि बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी देखता हूं कि कई क्या होता है कि आप कोई बुक्स लाते हैं, उस पर हड़बड़ाने लगते हैं, एक तरह से परेशान हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि इसे क्या खत्म करें। तो मेरा मानना है कि पहले उस बुक्स की शकल तो देख लीजिए एक बार, बड़ी संतुष्टि से, पूरा दिमाग एक जगह लगाकर, मोबाइल को त्याग कर, कम से कम उसकी एक बार आप लोग, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए लूसेंट खरीदी हुई है, तो लूसेंट को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए नॉर्मल तरीके से ध्यान लगाकर। मैं इतना कहता हूं कि 50 से 55% आपकी कवर हो जाएगी। जब आप दूसरी बार उस लूसेंट को पढ़ेंगे तो आप समझिए 80% तक करीब पहुंच जाएंगे आप लोग। और जो पॉइंट नहीं याद हुए आपको उन्हें रट लीजिए, यही ऑप्शन रहता है। लेकिन आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप लोगों ने पहला पन्ना खोला और रटना शुरू कर दिया, तो ये मत करिए, ठीक है? फिर आप देखेंगे इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो आपने जिस एग्जाम को चयन किया है या जिस काम को किया है उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी कि सिलेबस क्या होगा, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। जैसे एमपीपीएससी को ध्यान में रख लीजिए आप लोग, चलिए मान लेता हूं एमपीपीएससी, तो इसमें आप देखिए प्रीलिम्स होगा, फिर आपका प्रारंभिक परीक्षा, माफ करिए, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स होगा पहले, तो उसके बाद आप देखेंगे मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू देखेगा। तो इसका सिलेबस आप देखते हैं कि पहले कुछ और था, अब अपडेट हो चुका है, नया आ चुका है, कुछ जुड़ गए हैं, कुछ हट चुके हैं,
तो उसको पाठ्यक्रम उसी को कहते हैं। तो उस पाठ्यक्रम को पूरा याद एक तरह से अपने पास रखिए, और परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है या परीक्षा पैटर्न पुराने ही पैटर्न पर आ रही है उस पर भी ध्यान दे लीजिए। अब मान लीजिए कि इंटरव्यू वाला सेक्शन हटा दिया जाए तो परीक्षा पैटर्न चेंज हो चुका है ना, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। मेरा मानना है कि परीक्षा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आपकी टेबल, चलिए मान लेता हूं टेबल नहीं है आपके पास, तो कम से कम एक फोन तो होगा। आजकल मुझे नहीं लग रहा है कि फोन किसी के पास ना हो, जिन्हें चलाना नहीं आता है उनके पास भी आजकल फोन है। ये अलग बात है कि वो व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा वो कुछ उसमें जानते भी नहीं है और जानने में उनकी रुचि भी नहीं है, तो आप लोग उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं कहता हूं इस समय जितनी सहूलियत है पढ़ने वाले बच्चों को शायद कभी ना रही होगी। आपके पास स्मार्टफोन है, हर सुविधा आपके पास है उस स्मार्टफोन में, बस उसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम एक तरह से सिलेबस डाउनलोड करना है, उसे 3 से 4 बार पढ़ लेना है। मुझे लगता है कि एक एक शब्द आपको याद हो जाना चाहिए कि किस पॉलिटी से कहां क्या पूछा जाएगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब है संविधान, हिस्ट्री यानी कि इतिहास से क्या पूछा जाएगा। इस तरह के हर सब्जेक्ट पर आपकी रिसर्च होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अब आपने जिस भी परीक्षा को चयन किया है, मुझे तो मालूम नहीं है कि किस परीक्षा को चयन किया है, लेकिन आपने किया तो होगा, तो पुराने पेपर उसके उठा के देखिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए आप लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर पुराने उठा के देखे हैं प्रारंभिक परीक्षा के, उसके सिलेबस पर भी आपकी विस्तार से हम लोगों ने बात की हुई है। लेकिन हर परीक्षा के आप समझिए कि पार्ट यानी कि सिलेबस कवर कर पाना और पुराने पेपर सॉल्व करवा पाना हम लोगों के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए आप लोग इस एक तरह से रणनीति को अपना कर, आप लोग भी अपना अपने हाथ से कर सकते हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी के हाथ सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम अपने यानी कि सिलेबस अपनी टेबल पर रखिए, पुराने पेपर भी अपनी टेबल पर रखिए, यानी कि टेबल कहने का मतलब अगर टेबल नहीं है आपके पास और आप लोग फोटो कॉपी नहीं निकलवा सकते हैं प्रिंट, तो मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं, तो 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर रखिए अपने पास, उन्हें 1 से 2 बार उन्हें भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। उनमें देखिए कि किस चैप्टर से सवाल जरूर पूछे गए हैं, ये आपको मालूम चल जाएगा। जब आप 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको कॉमन मालूम चल जाएगा कि किस चैप्टर से सवाल ज्यादा आते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए इंडेक्स से आपने देखा होगा, सूचकांक तो आप लोग सुनते हैं, गरीबी में भारत की स्थिति क्या है, लोकतंत्र में भारत की स्थिति है, खुशी में क्या भारत की स्थिति है, खुशहाली में, आप समझ रहे हैं? तो इनके बारे में हर बार क्वेश्चन आता है आपका। आपने देखा होगा संगठनों, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, UN हो गया, इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जब आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर की शक्ल देखेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर बार कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन कॉमन क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब संगठनों को मैं कहता हूं कि याद कर लीजिए, रट लीजिए। वैसे आपके महत्वपूर्ण संगठन पूरे कवर करवाए गए हैं, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई छूटा हुआ है तो आप बताइए, उसे भी कवर करवा देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय संगठन भी कवर करवाए गए, जैसे चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, इनके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। तो प्लेलिस्ट सूची में जाइए, मुझे लगता है कि जीके जीएस के लिए आपको कमी नहीं रहेगी मटेरियल की। और टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पीडीएफ डाल दी गई है, और अगर आपको लगता है कि कोई पीडीएफ आपको जरूरी है बुक्स और आपके पास नहीं मिल रही है, तो उसे बताइए, उसे भी मैं उपलब्ध करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा अगर मिल जाती है मुझे मार्केट में, ठीक है। किस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं ये भी आपको मालूम चल जाएगा, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं। अब आप देखिए कि पूरा इतिहास पढ़ने के लिए लगे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, लगे पढ़े हुए, अब आपको मालूम ही नहीं है कि किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे जा रहे हैं या बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं, और किस चैप्टर से आपको सवाल पूछे जा रहे हैं,
तो इसके बारे में भी आपको मालूम चलेगा जब आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे। किस चैप्टर से सरल सवाल आए हो, किस चैप्टर से कठिन सवाल आए हो, इनके बारे में भी आपको मालूम चलेगा। आप लोगों को ये भी मालूम चलेगा क्वेश्चंस पेपर पुराने देखने के बाद कि इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संविधान से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध हो गई और यही जानकारी आपको स्मार्ट बनाती है। तो आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, अगर आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके मानचित्र का महत्व है, तो आप लोगों को क्या करना है, भारत का, विश्व का और अपने राज्य का मानचित्र अपने पास जरूर रखना है। देखिए, मान लीजिए आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या इस तरह की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको लगता है कि मानचित्र का महत्व है और मानचित्र से आपके मैप्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक विश्व का मानचित्र खरीदना है और मुझे लगता है 15-20 रुपए में आराम से मार्केट में मिल जाएगा। फिर आपको एक भारत का भी मानचित्र खरीदना है, इंडिया का, और फिर जिस राज्य में आप लोग रह रहे हैं उस राज्य का भी मानचित्र अपने पास रखिए। और कहीं भी आप लोग रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि आपके अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग मोबाइल में आराम से देखते रहिए, उसे 2-4 दिन में एक बार उस पर नजर जरूर डाल लिया करिएगा। वैसे आजकल बुक्स आती है, वैसे मैंने भी एक बुक्स कवर करवाई हुई है आपकी विश्व मानचित्र को लेकर, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट सूची में जाकर। और आपका वैसे भी मैं भारत की भी कवर करवा दूंगा, ठीक है, सभी राज्यों की भी कवर करवा दूंगा। तो मानचित्र से क्या होता है कि आपको याद रह जाता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आए हों और आपको आसानी से आप सॉल्व भी कर लेते हैं क्वेश्चंस। मान लीजिए पूछ लिया कि आपका मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, इस तरह के क्वेश्चंस एमपीपीएससी में कई बार आ चुके हैं आपके, तो आपको मालूम होगा मैप्स में आप या तो रट लीजिए और रटा हुआ भूल सकते हैं आप लोग, लेकिन आप प्रैक्टिकल के द्वारा आप अगर आपने देखें कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से राज्य इसकी सीमा लगती है, तो आपको मालूम चलेगा कि ऊपर उत्तर प्रदेश है, फिर आप देखते हैं बगल में एक छत्तीसगढ़ है, नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, तो याद रहेगा आपको। तो सभी राज्यों को आपको कंठस्थ याद रख लेना है क्रम से, जिस तरह से आप लोग हनुमान चालीसा या फिर बचपन में आप लोग एक प्रार्थना आती थी उसे भी तो याद रख लेते थे, तो उसी तरह से आपको इसमें भी आपको करना है, ठीक है? ये होगा आपसे, आराम से होगा। कितने राज्यों की सीमा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, मतलब देशों से, आप समझिए कि पाकिस्तान से कितने राज्यों की लग रही है, चाइना से कितने राज्यों की लगती है, बांग्लादेश से कितने राज्यों की लग रही, भूटान, नेपाल, म्यांमार से कितने देशों की लग रही सीमा, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। आपका कोई भी एग्जाम हो या फिर आपकी जिंदगी में कोई भी काम हो तो उसके लिए आत्मविश्वास जरूर रखें। लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कि आपसे नहीं हो पाएगा। कोई भी काम कर रहे होंगे आप लोग तो इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी काम करिए, जिंदगी में कोई भी फैसला लीजिए, आपको पीछे खींचने वाले मिल जाएंगे। वो अच्छा कहा है कि किसी ने कि वो अगर मरने के बाद आप देखते हैं कि 4 लोग कंधे देते हैं एक व्यक्ति को, अगर जीते जी एक कंधा दे दिया जाता उस व्यक्ति को तो आज ये नौबत ना आती। आप समझिए कि जब कहीं मर जाता है कोई तो उसके घर में, अगर आपने देखा होगा भूख से कई लोग मर जाते हैं, तो नेता जाते हैं उनसे फोटो खिंचवाते हैं और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आप समझिए अगर नेताजी पहले ही पहुंच चुके होते, खाना उपलब्ध करवा दिए होते हैं, तो आज ये जरूरत, ये दिन आते ही ना देखने के लिए। तो आप समझिए, छोड़िए इनकी टेंशन, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आपको 1% भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोगों का क्या है, अभी आप अगर सक्सेस नहीं हुए तो यही लोग आपको धिक्कारेंगे, यही लोग आपको सम्मान नहीं करेंगे। अगर आप सक्सेस हो जाए तो कल जिनसे कोई मतलब भी नहीं रहेगा, आप जिन्हें पहचानते भी नहीं होंगे, तो आप भी, आपके साथ वो भी लोग खड़े होंगे। और एक बात और हमेशा याद रखिए, सफलता लोगों को आपके साथ जोड़ती है, असफलता आपसे जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें हटाती है। आप देखते होंगे कि आप जब खुश में होते हैं और जब खुशियां होती हैं तो आपके साथ हजारों तरह के वादे किए जाते हैं कि मरने जीने और पता नहीं क्या क्या कसमें खाई जाती हैं, और जब आप लोग जिंदगी में 1-2-4 बार हारिए, मुसीबत आएगी आपके सामने, तब आपने देखा होगा कि लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं, जिन्हें आप, जिन पर आपको खुद से ज्यादा भरोसा होता है वो भी आपसे कह देते हैं कि बेटा आप देख लीजिए, अपना देख लीजिए,
या फिर आपका कोई भी पार्टनर है जिंदगी में, तो वो भी कह देता है कि अब हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो देखिए, खुशियों में मुझे लगता है कि हर कोई आपके साथ रहता है, जिसकी आपको मदद की जरूरत भी नहीं है। आप भी चाहते हैं कि ये आदमी हट जाए हमारी जिंदगी से, वो भी आपसे जुड़ा रहेगा। और जब आपके साथ मुसीबत आती है, आपके दिन बुरे चल रहे हो, तो आप हाथ जोड़कर भी गिड़गिड़ाएंगे, तो रोएंगे, तब भी आपका कोई साथ नहीं देगा। इसलिए खुद को, अपने आप को मजबूत रखिए, दूसरे एक पर दोष मत दीजिए, छोड़िए दूसरे को, क्या फर्क पड़ता है, सोचने दीजिए उसे, ठीक है। फिर आप देखिए कि नियमित अंतराल में टेस्ट देते रहे, सबसे जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं, आपने किताबें पढ़ ली हैं, आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, सिलेबस को पूरा कवर कर लिया है, तो उसके बाद आपको जब भी पेपर आ रहा हो, तो उसके 1-2 महीने पहले से आप लोग टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। टेस्ट देने का मेरा मतलब क्या है, आपको अपनी औकात मालूम चलती है। औकात शायद शब्द आपको गलत लगता होगा, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं कि आपको अपनी औकात मालूम चलती है कि आप कितने पानी में हैं, और टेस्ट से आपको मालूम चल जाता है कि आप किस तरह इसका स्कोर करने वाले हैं। तो आप लोगों को यह ध्यान देना है कि जब भी आपके पेपर पूरे हो जाते हैं एक तरह से, जब भी, तो उसका टेस्ट लगाइए आप लोग। आजकल मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन भी आपके पास टेस्ट उपलब्ध है, वहां भी आप लोग आराम से लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आराम से वहां भी अपने टेस्ट दे सकते हैं, आपको घर से जाने की कहीं जरूरत नहीं है। और यही एक और बात बता देता हूं आप लोगों को कि कई लोग बोलते हैं कि शहर जाना जरूरी है, जो भी सिटी है उसमें जाना जरूरी है तैयारी। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। इस समय आपको क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखिए। देखिए, आप सबसे पहले उस एग्जाम का जो भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, या जो भी पैटर्न है, योग्यता है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करिए। सबसे पहले अपने पास सिलेबस रखिए, उसके बाद यानी कि पाठ्यक्रम रखिए अपने पास, कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन, उसे कवर कर लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने भूगोल, या फिर आपका संविधान है, संविधान उसमें पूछा जाता है, तो संविधान को आप लोगों को पढ़ने के लिए इतनी बुक्स उपलब्ध हैं, और मैंने भी आपका टेलीग्राम पर इतनी PDF डाल दी है कि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको कहीं मिलेगी, और सब फ्री है, कहीं कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। मैं इतना तो वादा करता हूं कि जब तक मेरे अपने आप में मतलब पूरी तरह से सक्षम है कि आप लोगों की जो भी मदद होगी, तब तक मैं किसी से कोई पैसा कभी नहीं लूंगा, कोशिश यही भी रहेगी। कई लोग बोलते हैं कि वो कुछ इस तरह की सुविधा हो जानी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि बिल्कुल जरूरत जरूरी नहीं है, क्या जरूरत है। अब लूसेंट की जरूरत थी आप लोगों को, कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि MPPSC को जो नया पाठ्यक्रम आया उसके हिसाब से कोई सिलेबस वो बुक उपलब्ध करवाइए। अब 265 रुपये की मिली थी, 203 माफ करिए 365 रुपये की। अब आपके पास हो सकता है कि खरीदने के लिए उस सुविधा ना हो, ना मिल रही हो आपके यहां दुकान, तो मैंने एक PDF के रूप में बनवा के डाल दिया, अब क्या फर्क पड़ा। आप लोगों की इससे ज्यादा मदद हो रही है, क्या चाहिए हम लोगों को, बहुत है। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। और जो भी आपकी जरूरत हुआ करेगा, आप लोग बताया करिएगा, मेरी तरफ से मैं इतना कहता हूं कि 100% कोशिश रहेगी कि आप लोगों की मदद हो, लेकिन आप कहें कि आप लोग की मेरी जितनी औकात होगी उतने हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। अपने पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल रखें, और जब आप लोग देखेंगे कि हर तरह से आपकी कवर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूं कि मैथ के लिए भी आप लोग देखिए, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करिए चैप्टर बाई चैप्टर, कई ऐसे टीचर हैं कि बेहतर बताया गया है वहां। मुझे लगता है कि कोचिंग में जाकर भी आप लोग इस तरह के चैप्टर नहीं पढ़ सकते, इस तरह की बातें नहीं आप लोग समझ सकते, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा आपको, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले आप लोग जब सिलेबस तैयार कर लेते हैं, उसे पूरा कवर कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं उसके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बस इतना ही तो चाहिए। आपको शहर में जाने की जरूरत क्या है आखिर। आज जो शहर में आपको पैसे से मिल रहा है, वही आप लोगों को घर बैठकर भी मिल सकता है आपके मोबाइल की मदद से। बस आपको मोबाइल उपयोग करना आना चाहिए सही दिशा में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को शांत रखें और एकाग्र मन से पढ़ें। या शांत रखने का मतलब मेरा क्या है, आप अपने आप को जितना भी शांत रखते हैं आपका दिमाग उतना ही काम करेगा। और जब आप लोग पढ़ रहे हो उस समय देश दुनिया को छोड़कर पढ़ें,
देश दुनिया छोड़ने का मतलब मेरा ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें आप लोग, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप लोग कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं उस समय व्हाट्सअप फेसबुक इससे दूरियां बनाए रखें। मुझे लगता है फेसबुक व्हाट्सअप की कोई जरूरत नहीं है अभी, जब आप लोग सक्सेस हो जाए तब इस तरह की चीजों में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास कोई काम भी नहीं होगा समय बर्बाद करने के लिए, तो एक बर्बाद करने का एक जरिया ही है समय। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और याद रखिए शांत रहने का, आप लोग प्रशांत महासागर सुनते हैं ना, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, तो वो भी आपकी व्याख्या करता है, आप लोगों को दिशा देता है कि जो जितना बड़ा होता है वो हमेशा उतना शांत होता है, समझ रहे हैं आप लोग, जो जितना छोटा है होता है उतना ही एक तरह से आपको उबलता हुआ दिखाई देगा, बोलता हुआ दिखाई देगा, तो ये भी आपको याद रखनी है। और हाँ सबसे जरूरी बात, दूसरे के नोट्स से पढ़ने की बजाय अपने नोट्स बनाए उनसे तैयारी करें। जब आपकी सिविल सर्विस के लिए एक तरह से आपके मैंने बुक्स उठा के कवर कर रहे थे उस समय, कई बच्चों ने कहा कि वो शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ाइए, तो मैंने उस समय भी कहा था आप लोगों से अगर मैं शॉर्ट नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ाऊं तो एनसीईआरटी पढ़ाने का मेरा मतलब कभी नहीं होगा पूरा, क्योंकि आप जो कार्टून देखते हैं उसमें जो आपको प्रैक्टिकल भी एक तरह से क्रियाकलाप आप लोग पढ़ते हैं, नीचे आपका निष्कर्ष बताया जाता है, ये उसमें निष्कर्ष नहीं बताऊंगा शॉर्ट नोट्स में। और दूसरे के शॉर्ट नोट्स से क्या रहता है कि आप लोग क्या करते हैं कि कल कोई एसआई बन गया तो उसके आप लोग शॉर्ट नोट्स, उसने जो नोट्स बनाए थे वो ले लेते हैं, उनसे पढ़ना शुरू कर देते हैं आप लोग। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि मत पढ़िए, उसने अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाए थे, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए उन्हीं से पढ़िए। हाँ मानता हूं कि नोट्स बनाने में टाइम लगेगा लेकिन सही दिशा मिलेगी, वो आपको सक्सेस मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझिए कि मुझे गांधी के बारे में एक तरह से एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब मैं उसमें क्या लिखूंगा, उस नोट्स में क्या शामिल करूंगा, जैसे मुझे मालूम है कि गांधी जी का जन्म इस डेट को हुआ, मुझे मालूम है कि गांधी जी की डेथ इस डेट को हुई, मैं इसको शामिल नहीं करूंगा उनमें, जो मुझे मालूम है गांधी जी के बारे में मैं उस नोट्स में क्यों शामिल करूं। अब आप कहें कि मेरा नोट्स आपको उपयोग में आ जाएगा, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं आएगा, तो अपना नोट्स बनाइए अपने हिसाब से, उसे तैयारी करिए और उसे अपना पढ़ते रहिए। और नोट्स बनाने का यही फायदा होता है कि आप लोग जब पेपर देने जा रहे होते हैं उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरी बुक्स को कवर कर लें, पढ़ लें, दोबारा रिवीजन कर लें, तो इसीलिए आप लोगों को वही शामिल करते हैं नोट्स में जो आपको याद नहीं हो पाता है, तो लास्ट में उसे रिवीजन करके जाते हैं और आप लोग आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले जाते हैं, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दिया जाता है। फिर अपनी भरपूर नींद लें और उचित आहार लें, यहां कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप लोग सोए ना, मुझे लगता है कि एक अच्छी नींद लेना चाहिए और अच्छे से खाना खाना चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए, वो कहावत है ना कि भूखे पेट भजन नहीं होते, और मैं कहता हूं कि पूरी नींद की ये पढ़ाई नहीं होती है, तो इन दो बातों का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं खाना है, बाजार के खाने से बचिए क्योंकि आज देख रहे हैं आजकल किस तरह की बीमारियां चल रही हैं, तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, अपनी गलतियों से सीखें, आप समझ रहे हैं अपनी गलतियों से सीखने का मतलब क्या है। देखिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान ना करे कि आपके साथ कुछ बुरा हो या आपके साथ फेलियर का मुंह देखना पड़ो आपको जिंदगी में, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि आप लोग सक्सेस होते रहे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं आप गलती हो गई तो उससे सीख लीजिए, ऐसा ना करिए कि आप समझिए कि आप किसी, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं किसी एग्जाम में फेल हो जाता हूँ तो मैं क्या करूँ कि मैं किसी और के ऊपर इससे इसकी गलतियां डालने लग जाए कि मैं उसकी वजह से मैं जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये गलत है। हो सकता है कि ये झूठ बोलकर आप सबके सामने अपने अपने शब्द या जो भी है अपना बयां कर सकते हैं, लेकिन क्या आपकी आत्मा जिसे आप लोग अंतरात्मा कह देते हैं, वैसे लोग आजकल इस अंतरात्मा को की बात सुनते ही नहीं है, लेकिन फिर भी सोचिए आप लोग कि यार ये जीने देगी या ये आपसे सही कहेगी कि आपने जो भी कहा झूठ वो सही है, आज एक बात और याद आती है मुझे कि कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा कि उनके गाल पर अगर किसी ने एक तमाचा मार दिया तो वो दूसरा गाल कर देते थे,
लोग कहते हैं आजकल अगर किसी ने गाल किया तो वो दूसरे पर भी जड़ देगा सामने वाला। देखिए उस समय की परिस्थिति अलग थी, अगर आप किसी को धोखा दे देते या आप किसी के साथ गलत कर देते थे, किसी के भरोसे को तोड़ देते थे, तो आपकी अंतरात्मा आपको जीने नहीं देती थी, आपको हर समय कचोटती रहती थी। आज आप क्या देखते हैं, आज किसी के भरोसे को तोड़िए, किसी को मारिए, पीटिए, गाली दीजिए, आपकी अंतरात्मा चुभ ही नहीं करेगी। किसी अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि देखिए इस तरह की बातें मुझे लगता है कि जरूरी है आप लोगों से करनी। मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था किसी न्यूज़पेपर में, किसी ने लिखा है किसी ने सुसाइड किया है और आत्महत्या की है, और उसने लिखा है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, जो भी शब्द हो इस तरह के, क्योंकि मेरी वजह से किसी सामने वाले व्यक्ति की जान गई हुई है और मैं इस बात को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। तो मुझे भी लगा, मतलब कि आप सोचिए किस तरह के लोग भी आजकल मिलते हैं कि वो उनकी अंतरात्मा अगर उन्होंने किसी के साथ गलत किया, किसी को मारा, किसी को बुरा किया किसी के साथ, तो उनकी अंतरात्मा कचोटती है, उनसे पूछती है सवाल कि आकर आपने क्या किया है। मैं हमेशा अपने आप में बताता हूं कि मैं ऐसी सफलता को हाथ से छूना भी पसंद नहीं करूंगा जिसके लिए हो सकता है लोगों की नजरों में उठ जाऊं लेकिन अपनी ही नजरों में गिर जाऊं, क्योंकि लोगों के साथ मुझे कितने दिन रहना है, अपने साथ तो 24 घंटा रहता हूं मैं दिन में, समझ रहे हैं? तो मेरी मुझे झूठ बोलने के लिए सहारा किसी का लेना पड़े ऐसा कभी नहीं करूंगा। किसी की आप सोचिए जिंदगी में कभी भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी किसी के सपनों को दबाकर, किसी की जिंदगी को नीचे दबाकर, या किसी की जिंदगी को भरोसे को तोड़कर आगे हमें बढ़ना होगा। मैं कभी नहीं बढ़ूंगा, मैं जहां हूं वहां हूं, ठीक रहूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी होती है, हमारी जिंदगी होती है 60 से 70 साल, मान लीजिए आपकी 200 साल मान लेता हूं। अगर आपने किसी के भरोसे को तोड़ा है, किसी के सपनों को ध्वस्त किया है, किसी के घर को आग लगाई है, वो अपना घर बनाया है तो उस घर का कोई मतलब नहीं है, उन सपनों का कोई मतलब नहीं है, क्या उखाड़ लोगी? मान लीजिए आपकी वजह से कोई किसी के आपने सपने को बर्बाद कर दिए, वो मर चुका है, लेकिन वो तो चलिए मरा है, आपने क्या उखाड़ लिया है? तो इन बातों का याद रखें, अच्छा बनाए रखें, अपने परिवार से जुड़े रखें, जो भी आप पर भरोसा करता है, आंख बंद करके भरोसा करता है, तो ये कभी मतलब उससे ये उसे एहसास ना होना चाहिए कि वो सही में अंधा है अगर आप पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है। ये तो आपका भी कर्तव्य बनता है। आप लोग संविधान पढ़ते हैं, मुझे लगता है संविधान जितनी आपको सीख देता है और आप उन्हीं बातों को अपनी दैनिक जीवनचर्या में भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार मिले हुए हैं आपको संविधान में, फिर आप देखते हैं मौलिक कर्तव्य भी मिले हुए हैं, तो कहने का मतलब कुछ आपके अधिकार भी हैं और कुछ आपके कर्तव्य भी हैं, समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए कि आपको बोलने की आजादी है, तो ऐसा भी मत बोलिए कि जो देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए, शांति को भंग कर सकते हैं हमारे देश के। या आपको संगठन बनाने की आजादी है, तो ऐसा संगठन मत बनाइए कि जो देश की संपत्ति को तोड़ फोड़ करने लगा, तो या आप लोग देखते होंगे, ठीक है? तो इसी तरह अपने रिश्तों में भी मिठास बनाए रखिए और याद रखिए कोई कुछ नहीं उखाड़ के गया हुआ है, तुमसे पहले भी हमसे पहले भी कई महान हुए, धरती इस मिट्टी में मिल चुके हैं, कोई याद नहीं लगता है, उनके घर वाले भी भूल जाते हैं, इसलिए वफादारी बनाए रखिए। और जिसके प्रति भी कोई भी, मैं कहता हूं भरोसा अगर आप पर कर रहा है, आपका अपना खून हो या दूसरा खून हो, कोई भी हो, कभी उसके भरोसे को नहीं टूटना चाहिए, यही कोशिश रहनी चाहिए, ठीक है? तो अपनी गलतियों से इस तरह की सीख लेते रहें कि अगर आपको कहीं भी इस तरह की असफलता मिलती है तो किन बातों के कारण असफलता मिली हुई है, कहाँ आपकी कमी रहेगी, किस क्षेत्र में आपकी कमी रहेगी, उन बातों को जरूर याद रखें, ठीक है? जैसे किस आप कौन सब्जेक्ट में कमजोर हैं, किस कमजोर कमजोर सब्जेक्ट की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया है, इन बातों पर भी आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखे रहें, बड़े धैर्य के साथ तैयारी करें और आपको सफलता है आज नहीं कल नहीं परसों मिल ही जाएगी, ठीक है? और मुझे लगता है कि अगर आप 100% किसी काम पर दे रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भूख से नहीं मरेंगे, इतना मेरा भी कहना है, आप कर खा ले जाएंगे और अच्छे से कर खा ले जाएंगे, ठीक है? कई लोगों से आपकी बेहतर जिंदगी रहेगी। और मुझे लगता है कि अपनी दम पर उखाड़ना और बाप, ये शब्द मुझे लगता है कि बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरा कहना ऐसा ही है कि बाप की दम पर उखाड़ना अंतर होता है इसमें,
मान लीजिए बाप तुम्हारा ना कहे, यानी कि आपके पिताजी पिताजी ना कहें, लेकिन गांव वाले तो एक बार, या आपके आस पड़ोस वाले तो एक बार कह देंगे कि वो इन्होंने कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, लौट के यहाँ आए और यही अब बाप की दम पर उछल रहे हैं। अगर आप में थोड़ी वो शर्म होगी तो मुझे लगता है कि अपने आप में कुछ बन के, अपने आप पर कुछ करके जाओगे। देखिए मुझे लगता है कि देखिए 20 22 25 साल तक आपको लोगों को, आपके माँ बाप जो भी आपका परिवार है पढ़ा रहे हैं, आपके भाई बहन जो भी हो, तो मुझे लगता है कि उन्होंने आपको हर तरह के शौक पूरे करवाए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनके भी शौक में कोई कमी नहीं रहना चाहिए आगे चल के। तो यही धर्म होता है, यही कर्तव्य होता है। और याद रखिए मुझे लगता है कि वो एक महल पर राज करने की वजह, दूसरे के द्वारा गिफ्ट किया गया, दूसरे के गुलामी करके मिला हुआ महल पर राज करने या उसमें रहने की वजह हम लोग एक कुटिया में रहेंगे, लेकिन अपनी दम पर उखाड़ के हम लोग बनानी चाहिए। उसमें जो सुख शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, शायद मुझे नहीं लगता है कि कहीं मिलता हुआ। आज कभी भी आप लोग ये अपने आप में फील करके देखिए, अनुभव करिए उसका, कि हो सकता है कि माँ बाप के लाख रुपए आपको दें कि आप जाइए ऐश करिए, उसमें जितनी खुशी नहीं मिलती है जितने 10 रुपए अपनी कमाई, 10 रुपए तुम करिए मेहनत और पसीना बहाइए, उसके बाद 10 रुपए भी आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये जिंदगी है, हर जगह अनुभव कीजिए, हर जगह से सीख लीजिए और आगे बढ़ते रहा करिएगा, यही जिंदगी का फंडा है, ठीक है? और हाँ, अंतिम और सबसे जरूरी बात, और इसी बात पर आपके कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और हमेशा क्वेश्चंस आपके मन में बने रहते हैं, एक तो आप देखते हैं ऑफलाइन पेपर होता है, एक ऑनलाइन पेपर होता है। मुझे लगता है ऑनलाइन पेपर बेहतर है ऑफलाइन की बजाय, लेकिन कई लोग बोलते हैं मुझे कंप्यूटर का अनुभव नहीं है, कंप्यूटर मैं चलाना नहीं जानता। इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, जब आप लोग माउस पर हाथ रखते हैं, आप क्लिक करते हैं, उस पर टिक लग जाता है और आपको सेव करना होता है, आगे बढ़ जाते हैं, विंडो आपके सामने खुली रहती है और जब टाइम खत्म होता है आपका बंद हो जाती है। और आपको यहां तो ना तो टिक लगाना है, ना तो आपको कुछ वो भरना है, सब कुछ भरा रहता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है सबसे पहले, और हो सकता है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप 50 100 रुपये दे के 2 4 दिन की क्लास कंप्यूटर कंप्यूटर की ले लिया करिएगा, ठीक है? जिससे आपका माउस पर हाथ रखने का अनुभव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है OMR सीट की, तो सबसे पहले तो आप यही रखिए कि जिस दिन आपको एग्जाम देना जाना है उससे पहले रात को आप लोग अच्छे से सोइए, बड़े चैन से सोइए, दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत रखिए, अब जो होना है हो जाएगा, और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से। जब भी आप लोग परीक्षा हॉल में बैठते हैं तब भी आप लोग अपने आप को शांत रखिए, पानी की एक बोतल भी ले जाइए और समय समय पर पीते रहिएगा, कहीं आपका चोक ना हो जाए कुछ, समझ रहे हैं आप लोग? और सबसे पहले जब क्वेश्चंस पेपर आपके पास आता है तो उसे आप लोग खोल के देख लीजिएगा, जब जब जिस तरह के टीचर कहे कि हाँ खोलने का समय हो गया, तो उसमें देख लीजिए कोई कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने क्वेश्चंस पेपर देख लिया, उत्तर पुस्तिका में क्या ध्यान देना है आपको, उत्तर पुस्तिका में जब आप लोग कॉलम भर रहे हो, देखिए एक बार हम लोग उत्तर पुस्तिका को ही दिखा देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए ये है, देखिए स्टूडेंट नेम इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, तो आप लोगों को इनमें नाम लिखना है कैपिटल में, अपना पूरा नाम यहां डाल देंगे आप लोग, यहां गोला भरना है आपको, और याद रखिए गोला भरते वक्त ना तो दो पर गोला भर देना है और ना ही आप लोगों को ऐसा गोला भरना है कि गोले से बाहर कहीं अधिक फैल चुका है, तो बड़े अच्छे से आपको, जैसे ए ए पर गोला लगाना है आपको, तो बड़े अच्छे से गोला लगाइए, बिल्कुल भी अच्छे से, ठीक है? और अपने हर नाम के पीछे एक बार बड़े अच्छे से ध्यान पूर्वक धैर्य रख के, शांत रख के अपने आपको, और इन सबको भरते रहिए आप लोग धीरे धीरे। सबसे जरूरी यही है, स्टूडेंट नाम, रोल नंबर, मैं कहता हूं रोल नंबर को 10 बार सोच के भरिए, इतना टाइम तो नहीं होता हूं फिर भी बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है रोल नंबर। अगर आपका रोल नंबर गलत भर देते हैं आप लोग तो उस कॉपी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है कि वो सुधार के भर देगा, वहां मशीन बैठी हुई है, मशीन में जैसे ही कॉपी आपकी OMR सीट जाती है वो रिजेक्ट कर देगी। फिर आप लोगों को क्या भरना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। एक बात और याद रखिए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर इसलिए बोल रहा हूं कि आपको, मान लीजिए कि
डी मिला हुआ है और आपने सी भर दिया, तो क्वेश्चंस का क्रम बदल जाएगा, आपका पूरा सत्यानाश हो जाएगा एक तरह से। तो इस बात को भी याद रखना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर अच्छे से भरना है और क्वेश्चन बुकलेट कोड जो होता है एबीसीडी आता है ना, इसे भी आपको अच्छी तरह से भरना है। डेट ऑफ एग्जाम जिस डेट को आप लोग दे रहे होते हैं उस दिन भी आपको वही डेट भरनी होती है। तो इन सब के बारे में आप लोगों को एक से दो बार आप लोग पढ़ लें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और बड़े ध्यान से पढ़ें, जितना मैं कहता हूं कि सोच सकते हो सोच के पढ़ें, इन बातों का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब आता है आपके पास गोले भरने के लिए, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन हैं, तो इस तरह के 100 क्रमांक दिए होंगे आपको, तो आप जानते हैं कि एक ऑप्शन एक में आपके या तो चार ऑप्शन होते हैं या पांच ऑप्शन होता है, या तो ए बी सी डी ई होता है, पांच ऑप्शन या चार होते हैं ए बी सी डी। तो आप लोगों को जिस तरह से हो उसे ही गोले को भरें। और याद रखिए अगर क्वेश्चन नंबर एक है मान लीजिए, इसमें आप लोगों ने ए पर भी लगा दिया बी पर भी लगा दिया, तब भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये यहां एक और बताएं, अगर माइनस मार्किंग है तब भी, तब अगर आप दो गोलों पर लगा देते हैं तब आपका ना तो क्वेश्चन का वो जो भी सही है वो जुड़ेगा बल्कि आप में से कटेगा आपके, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा एक तरह से। अगर आपको क्वेश्चन एक नहीं आ रहा है और अगर आप टिक नहीं लगाते हैं और माइनस मार्किंग है तब आपके में से कोई आप पर चार्ज नहीं लगेगा, जुर्माना नहीं लगेगा, ना तो उसका नंबर मिलेगा ना ही उसका जुर्माना देना होगा, माइनस मार्किंग का यही मतलब है, ठीक है। और जहां माइनस मार्किंग नहीं है वहां आप लोग जरूर फुल करके आया करिएगा। क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन आपने तुक्का ठोका है क्वेश्चन और माइनस मार्किंग नहीं है, तो मुझे लगता है कि दो चार क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना भी रहती है, या आपको मालूम है कि इन दो में से एक ऑप्शन है तब भी आप लोग लगाइए, समझ रहे हैं आप लोग। और याद रखिए इन्हें बड़े ध्यानपूर्वक भरा करिएगा, क्रम से भरा करिएगा, या ऐसा कि अगर ये पांच क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिए हो, आप लोगों को मालूम है कि इसमें ए है इसमें बी है इसमें बी है इसमें सी है फिर आप इसका ए है, तो इस तरह से पांच क्वेश्चन सॉल्व किए, पांच क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक भर लीजिए, फिर आप लोग बढ़ते रहिए आगे इसी तरह से, क्योंकि इस तरह की गलती मुझसे भी कई बार हुई है। एक बार तो मैंने क्या किया कि आप समझिए कि पहला क्वेश्चन मुझे पांचवा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने जब छठवें क्वेश्चन के आंसर को पांचवें क्वेश्चन से लगाना शुरू किया, मैं 20 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूं, सभी आंसर गलत हो चुके थे, और ना वहां कोई दूसरा विकल्प रहता है आपके पास कि आप दूसरी कॉपी लेकर सुधरवा लें, या आप वहां कोई देखते हैं आप जो जो आपके पेन आते हैं हाइलाइटर आते हैं उसका उपयोग करें, या किसी भी तरह का सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती वहां। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो ओएमआर सीट के बारे में इतनी ही बात आपको याद रखनी है। अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो आपके पास काफी सुविधा है, आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है स्टडी मटेरियल की, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं कुछ, और ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वही करिए, आप लोगों को बस सिलेबस पूरा कवर करना है, कहीं से भी करिए, ठीक है। एक तो सबसे पहले अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए, एक वो आता है क्या आता है न्यूज पेपर, कोई भी न्यूज पेपर ले सकते हैं आप लोग, जैसे जनसत्ता हो गया या दैनिक जागरण हो गया, राष्ट्रीय संस्करण की बात कर रहा हूं, तो उसे भी आप लोग क्या करिए पढ़ते रहा करिएगा। और मान लीजिए आप लोग न्यूज पेपर नहीं ले रहे हैं, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग देखा करिएगा कि उसे उसमें क्या होता है, हर महीने एक आपकी पतली सी बुक्स निकलती है या साल में एक बार निकलती है, जब भी आपका पेपर होता है उस समय कोई ना कोई बुक्स निकलती है करंट की, तो उसे आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। फिर याद रखिए अगर आपके कोई सवाल हो कभी भी किसी तरह के, तो आप लोग फेसबुक पेज पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, और यहाँ आपकी जो साइट है वेबसाइट है उस पर कई तरह की जानकारी मैं डालता रहता हूँ, वहां भी आप लोग जुड़ते रहिए, और जीमेल पर भी आप लोग क्वेश्चंस भेज सकते हैं आप लोग, और सबसे जरूरी है टेलीग्राम चैनल, यहाँ आप लोग इस लिंक पर यहाँ जाकर क्लिक करके डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर लीजिए जो भी करना है आप लोगों को, या फिर आप लोग आईएएस पीसीएस मोटिवेशनल स्टूडेंट जॉन के नाम से आप लोग सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ वो मटेरियल उपलब्ध करवा दिया गया है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है, आपकी पढ़ाई से भी ज्यादा है। अब आप समझिए एम लक्ष्मीकांत हो, स्पेशल बुक्स हो, स्पेक्ट्रम बुक हो, या फिर आप देखिए एनसीईआरटी बुक्स हो, लूसेंट हो, किरण सामान ज्ञान बुक्स हो,
कोई भी मैथ्स की बुक्स हो, आपका कंप्यूटर साइंस हो, विज्ञान हो, कोई भी हो इस तरह का मटेरियल, उत्तर प्रदेश जी के, मध्य प्रदेश जी के, बिहार जी के, राजस्थान जी के, इन सब की पीडीएफ आपकी वहां डाल दी गई है। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका मन है कि वहां आपका कवर नहीं कर पा रहे हैं, आपको वीडियो क्लास से पढ़ना है, तो देखिए आप लोग यूपीपीसीएस के जो मॉडल पेपर आते हैं उन्हें भी, जब भी उनका प्रीलिम्स होता है उस समय हम लोग करवाते रहते हैं। आपका समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक जो ई दृष्टि निकालता है आपका, और यूपीपीसीएस के टाइम निकालता है, बहुत अच्छी बुक होती है और मुझे लगता है इससे बाहर भी नहीं जाता है। आप देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस के रूप में, आप जानते हैं कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, या फिर बेटी बचाओ दिवस, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, टीचर्स डे कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, तो इन सब के बारे में 12 महीने के जो भी दिन है, जिस रूप में मनाए जाते हैं, उन सबको कवर किया है मैंने यार। तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिए, और हर हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। फिर आप देखेंगे क्विक रिवीजन, जब आपके पेपर के कुछ दिन बचे हुए हैं, 1 महीना बचा हुआ है, तब आप इस प्लेलिस्ट सूची को खोल कर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वही टॉपिक आपके कवर किए गए एक तरह से, और वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक टेस्ट होता रहता है वन डे, आप जानते हैं वन डे एग्जाम कहने का मतलब है कि जिसमें एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि महात्मा गांधी की डेथ कब हुई, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चुनना होगा कि 1948 में हुई थी। तो इस तरह के ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आते हैं, जहां भी परीक्षा में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, उनके लिए ए टेस्ट आपका सीरीज आईएएस पीसीएस के लिए, जो विस्तार में क्वेश्चन बताए जाते हैं, आंसर उनके बताए जाते हैं। और स्टेट जीके की बात करें, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनके बारे में बात की हुई है, तो इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ कुछ टॉपिक हैं। एक के रन सामान्य विज्ञान बुक्स कवर की हुई है, और बहुत अच्छी बुक्स है मुझे लगता है, अगर आपके पास सुविधा है तो आप लोग खरीद लीजिए इसे, मुझे लगता है इसके बाहर आपका कोई जीके जीएस से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस ली गई है आपकी, मुझे लगता है इससे बाहर कोई कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। एनसीईआरटी है, मुझे लगता है कि अगर आप सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको मालूम होगा, ठीक है, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर एनसीईआरटी, अगर सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और फिर आप देखिए एनसीईआरटी को पूर्ण उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान विस्तार से पढ़ाया गया है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी कवर किया हुआ है। मानचित्र को जरूर देख लें, अगर आप भूगोल की तैयारी करते हैं तो 70 से 75% कवर हो जाता है विश्व का भूगोल, अगर आप लोग मैप्स का सहारा ले देते हैं। सभी देशों के बारे में विस्तार से बताया जाता है, किस देश के में क्या है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, आप किस तरह से हिमालय कहाँ है, इस तरह की आप समझिए सबसे ऊंची चोटियां कहाँ है, कौन नदी कहाँ से निकलती है, किस देश की क्या राजधानी है, उसके बारे में जो भी पॉइंट रहते हैं उनके बारे में विस्तार से हम लोगों ने बात की है। महत्वपूर्ण संगठन एमपीपीएससी में नया टॉपिक जो जुड़ा हुआ है उसमें आप देखते हैं कि जो नए महत्वपूर्ण संगठन जुड़े गए हैं उनमें कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ए कंप्यूटर जी के, जनरल साइंस, मध्य प्रदेश जी के, लूसेंट को भी कवर करवाया गया है, सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, फुल जीके जीएस, समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, तो मुझे लगता है इस प्लेलिस्ट सूची को आपको खोल के देख लेना चाहिए। आपके जितने भी पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं 7 से 8 साल के, उन्हें भी कवर करवाए गए हैं, और आपका पाठ्यक्रम भी, सिलेबस जो भी पैटर्न है उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की है। ये जीवनी बायोग्राफी, यानी कि जैसे आप समझिए कि प्रधानमंत्री के बारे में आपको जानने की दिलचस्पी है, या फिर आप प्राचीन भारत में चले जाइए, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर आपको चाणक्य, महावीर स्वामी या बुद्ध भगवान के बारे में जानना है, तो इसके इसमें सभी क्लासें डली हुई है। आपके सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में भी बताया गया, राष्ट्रपति के बारे में भी बताया गया, सभी राष्ट्रपतियों के बारे में, और जो भी चर्चा में व्यक्ति रहता है उसकी भी बायोग्राफी कवर कर दी जाती है, ठीक है। और यूपीपीसीएस में है अगर आप लोग, तो देख लीजिए इसे। आईएएस पीसीएस की भी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिविल सर्विस के भी क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व करवाए गए हैं, सभी क्वेश्चन को लिया गया है, तो इन्हें भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और कुछ स्पेशल वीडियो भी रहते हैं जो आईएएस पीसीएस के लिए जरूरी टॉपिक होते हैं, उन्हें भी कवर करवाया गया है। और स्पेशल वीडियो फॉर ऑल एग्जाम, यानी कि सभी एग्जामों के लिए जो कॉमन टॉपिक होते हैं उन्हें भी आपका कवर करवाया गया है, यहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा, पुराने क्वेश्चन पेपर, नया पाठ्यक्रम क्या है, सबके बारे में, ठीक है, जो भी टेस्ट आते हैं उसके वो भी लगवा देता हूँ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि पूरा पैकेज है, इसमें आपको जीके जीएस के लिए कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत है, ना ही तो आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत है, समझ रहे हैं आप लोग।
और आप लोगों का दिल से खुला हुआ मतलब मन है, एक तरह से आप लोग करिए तैयारी, जो भी सहूलियत हो सकती है मैं जरूर करूंगा आपकी मदद। ठीक है, तो यही कहानी है तैयारी की। फिर आप लोग चाहे एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की, यूपी की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या मैं कहता हूँ कक्षा 2वीं की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 5वीं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उससे लेकर आप लोग सबसे कठिन एग्जाम की तरफ जाइए, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की, तभी आप लोग इन बातों का ख्याल रख सकते हैं और उन पर भी, इन बातों की दिशा जो भी दी गई है उस पर चल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हो, आपके जो भी सुझाव हैं, उन्हें आप लोग नीचे लिखिए, बताते रहिएगा, और मुझे लगता है मैं भी आप लोगों से बहुत सीखता हूँ, जितना आप लोग मुझसे नहीं सीखते हो उतना मैं आप लोगों से सीखता हूँ। मैं तो हर किसी से सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को ना समझता हूँ। मुझे ये लगता है कि आप लोग जितनी सीख मुझे देते हैं कहीं से मिलती भी नहीं है, तो मुझे भी सिखाते रहिए, अगर कमी कहीं रहती है तो मुझे भी बताते रहिए। और याद रखिए, जो क्लासें ली गई हैं बहुत जल्दी फटाफट ली गई हैं, और उस समय ली गई है जब मेरे पास ना तो टाइम था, मैं शुरू शुरू में आया हुआ था इस मंच पर, तो मुझे भी हड़बड़ाते थे, बोलना भी नहीं आता था, तो इसलिए के लिए माफी चाहता हूं। और अगर आप एडजस्ट करके पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कई लोगों को लग सकता है कि मैं बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, उस समय भी ये पहली बार आप लोग किसी मंच पे जाइए, वहां से बोलिए, सबको डर लगता है, तो ख्याल रखिए आप लोग सफल जरूर होंगे। लगे रहिए आप लोग, हौसला रखिए, मंजिल जरूर आएगी और जरूर मिलेगी, आएगी नहीं आपके कदमों में आएगी। ठीक है,